बेटा कुछ बन जाओ वरना छोड़ के चली जाएगी वो। भैया आपको ऐसा नहीं लगता कि उसको कुछ बनने की एडवाइस देने की बजाय बड़े होने की एडवाइस देनी चाहिए थी? क्योंकि जिस उम्र में वो है उसको बड़े होने की एडवाइस की सख्त जरूरत है, क्योंकि अगर वो बड़ा ना होगा तो कुछ बन भी ना पाएगा। और उसे जाके कोई समझाओ, तू जिस उम्र में ये सब कर रहा है ना उस उम्र में तेरी ये करने की उम्र ना है, पहले तू ढंग से बड़ा तो हो जा। और रही बात छोड़ के जाने की, आज नहीं तो कल उसको छोड़ के जाना है, क्योंकि और कोई ऑप्शन भी नहीं बचना उसके पास। वो अभी तक बड़ा ना हुआ, उसका पेट कैसे भरेगा? अब वो भूखे थोड़ी मरेगी उसके साथ रहकर, ऐसा थोड़ी ना कि अब भूखे रह के मरी जाएगी। और तो और इनके घर वाले इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे अभी तक तो। इनके घर वाले सोच रहे होंगे हमारे बच्चे कार्टून देखने गए, लेकिन ये तो खुद रोड पर कार्टून बनते घूम रहे हैं। तुम चाहे IPS ऑफिसर बनो या चक्की में काम करो। अब मुझे सच बोलना ही पड़ेगा कि अगर दीदी वो IPS ऑफिसर तो बन ही ना सकता, क्योंकि उसकी हरकतें ऐसी है, क्योंकि वो तुम्हारे साथ जो है, अगर वो जब तक बंदा तुम्हारे साथ रहेगा ना वो बड़ा हो पाएगा ना वो IPS ऑफिसर बन पाएगा। और वो चक्की पर भी जब काम कर सकता है जब उसके बाप की खुद की चक्की हो, अगर दूसरे की चक्की होगी तो उसको चक्की पे भी नहीं रखेंगे, क्योंकि उससे भारी भारी तो वहाँ पे गेहूं के कट्टे आएंगे, उनको उठाने वाला भी तो चाहिए ना। मुझे समझ ना आ रहा कि IPS ऑफिसर का सपना उन्होंने देखा, चलो बच्चे है गलतफहमी होती है, सब गलतफहमी में देख लेते कि IPS ऑफिसर बनना, लेकिन चक्की वाला बनने का सपना कौन देखता है भाई? क्या दीदी के पापा चक्की वाले हैं क्या? जब दीदी के पापा राजी हो सकते हैं अगर ये बंदा चक्की चला हुआ तो। मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। तुम अभी जिस उम्र में हो ना उस उम्र में तुम्हारी जिंदगी की शुरुआत हुई है, और वो शुरुआत भी 0.5% शुरुआत हुई है, समझ में आ रहा है ना तुम्हारे को? तुमने अभी तक दुनिया देखी नहीं है, जो तुम अभी से चलेगी सारी जिंदगी मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। और रही बात साथ बिताने की, जिंदगी साथ बिताने के लिए कपड़े चाहिए, रोटी चाहिए, मकान चाहिए, सब चाहिए। क्या है उसके पास? कुछ ना है उसके पास, उसके पापा दिलाते उसको अभी तक कपड़े छोड़ो, उसको चड्डी खरीदने के पैसे ना है। और ये आजकल की अपनी जनरेशन को हो क्या गया? सीधा IPS ऑफिसर बनने का सपना देखते हैं, फिर उसके बाद डायरेक्ट चक्की वाले बनने का सपना देख लेते हैं। पता नहीं कैसी कैसी सोच हो गई इन लोगों की। और तो अभी तक ये 5 साल के हुए नहीं और पूरी जिंदगी साथ निभाने चले, क्या क्या होगा भाई, क्या होगा तुम्हारा? और इनका कुछ ना हुआ ना तो अपने देश का भी कुछ ना होगा, अपना देश नरक में जा रहा है इन चक्कर में। विल यू मैरी मी मनोज? अबे चिमकांडी चुप हो जा, मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारे मम्मी पापा की शादी हुई होगी 5 साल पहले और तुम उनका नतीजा हो। और तो और तुम्हारे जो चाचा होंगे ना घर पे, उनकी शादी करने की उम्र है, उनकी शादी करवाओ, तुम अपनी शादी करने की तैयारी मत करो। वहाँ पे चाचा के साथ खुद का खर्चा मत बचाओ कि पापा का खर्चा बच जाएगा, चाचा की शादी के साथ हमारी भी शादी हो जाएगी। और अगर बुआ होगी तो क्या पता बुआ की शादी के साथ तुमने अपनी शादी का प्लान बना लिया। शर्म कर लो भाई, शर्म कर लो। तो गाइस इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। इस वीडियो को यहाँ खत्म करने का एक कारण भी है, क्योंकि कल RCB 1 रन से हार गई यार। गाइस बहुत बुरा लग रहा है मेरे को, इस वजह से मैं वीडियो आगे बना ही ना पा रहा, मेरे को दुख खत्म ना हो रहा मेरा। तो अब अगली वीडियो के लिए तुम इंतजार करो, और अगली वीडियो मैं गारंटी देता हूँ कि बड़ी आएगी, कम से कम 10 मिनट की तो आने वाली है। और वीडियो में कुछ नया भी होगा जो आज तक किसी ने नहीं करा, वो मैं करने जा रहा हूँ, तो उसके लिए तुम वेट करो और उसको प्यार भी बहुत ज्यादा देना। तो गाइस इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो कैसे लगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।